हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम किरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किरण सनशाइन ब्लश। आज मैं आपके साथ ड्राई एंड रफ हेयर्स को स्मूथ एंड मैनेजेबल कैसे करें वो शेयर कर रही हूँ। मेरे हेयर्स नेचुरली कर्ली हैं, पूरे कर्ली तो नहीं कहूँगी बट नॉर्मल वेवी से ज़्यादा ही हैं। और अभी लास्ट 1 मंथ से मैंने ना तो ऑयलिंग की है ना ही कोई हेयर पैक अप्लाई किया है, इससे मेरे हेयर्स और भी ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो गए हैं। मैं सोच रही थी आज मैं अपने हेयर्स को थोड़ा टाइम दूँ, तो ये रूटीन मैं जनरली फॉलो करती हूँ, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी 5-6 डेज पहले अपने हेयर्स स्ट्रेट किए थे तो ये अभी भी थोड़े बहुत स्ट्रेट ही दिख रहे हैं, बट स्कैल्प पर ऑयल बहुत आ गया है एंड हेयर एंड्स जो है ना वो रफ भी दिख रहे हैं। इस बार अप्रॉक्स 8-9 डेज हो गए हैं मैंने अपना हेयर वॉश नहीं किया है और मेरा स्कैल्प एक्चुअली ड्राई है, इसकी वजह से ऑयल भी काफ़ी लेट आता है मेरे स्कैल्प पर। सो मैं जनरली जो है ना 1 वीक या उससे ज़्यादा का टाइम ले लेती हूँ अपना हेयर वॉश करने में। सो अब मैं अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम करके ऑयल अप्लाई करूँगी एंड 5-10 मिनट्स आराम से हेड मसाज करूँगी। यहाँ मैं मसाज करने के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैं विंटर्स में ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ एंड समर्स में कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में मैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मिक्स कर लेती हूँ, जिससे आपके हेयर्स स्ट्रांग भी होते हैं और हेयर फॉल भी थोड़ा कम होता है। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आप अपने ऑयल में टी ट्री ऑयल के 5-6 ड्रॉप्स मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नीम ऑयल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जनरली मुझे भी विंटर्स में डैंड्रफ हो जाते हैं तो मैं ज़्यादातर नीम ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं नीम ऑयल को 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में वार्म कर लेती हूँ, देन इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करती हूँ एंड अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करके आफ्टर 2 आवर्स वॉश कर लेती हूँ। इससे काफ़ी जल्दी मेरे डैंड्रफ का इशू ख़त्म हो जाता है। तो अभी मुझे डैंड्रफ नहीं है तो मैं बस ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं पूरे स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करूँगी। मसाज करते टाइम आपको अपने स्कैल्प को रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि फिंगर से सर्कुलर मोशन में बस स्कैल्प को प्रेशर देना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही, आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। मैं यहाँ आराम से 5-10 मिनट्स तक स्कैल्प मसाज करूँगी एंड ऑयल को अच्छी तरह से हेयर एंड्स पर लगाऊंगी। अब मैं यहाँ मेरा स्विमिंग कैप पहन रही हूँ, इससे मुझे अलग से स्टीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जो हीट प्रोड्यूस होती है ना ऐसे कैप या शावर कैप पहनने से, वो स्टीम से कम नहीं होती है। मैं यहाँ इस कैप को 1 आवर रखूँगी, फिर इसे उतारने के बाद मैं अपना हेयर पैक लगाऊंगी। हेयर पैक के लिए मैंने लिया है 2 बनानास एंड 1 टेबल स्पून हनी। ये हेयर पैक मुझे एक हेयर ड्रेसर ने बताया था मेरे रफ़ एंड ड्राई हेयर्स के लिए, तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और हर बार ये हेयर पैक मुझे बहुत हेल्प करता है। बनाना एंड हनी को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं इसे अपने पूरे हेयर्स पर अच्छे से लगाऊँगी। आपको इसे सिर्फ हेयर्स पर ही अप्लाई करना है, स्कैल्प पर नहीं लगाना है। सो अब मैं इसे 1/2 आवर्स के लिए ऐसे ही रहने दूंगी, उसके बाद मैं हेयर वॉश करूंगी। हेयर वॉश के लिए माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए एंड शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करके, यानी थोड़ा पानी में जितना शैम्पू लगाते हैं उतना मिक्स कर लीजिए, फिर अच्छे से मिलाकर ही आप अपने स्कैल्प पर इसे लगाइए। इससे शैम्पू इवनली स्प्रेड होता है हेयर्स पर और आपके हेयर से पानी से आराम से वॉश भी हो जाता है, निकल भी जाता है। सो अब मैं अपना हेयर वॉश करके और हेयर ड्राई करके आपसे मिलती हूँ। सो ये है मेरे हेयर्स आफ्टर वॉश। आफ्टर वॉश मेरे हेयर्स इतने मैनेजेबल कभी नहीं रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर लगा लूँ ना तो वो इतने ज़्यादा फूले हुए से, फ्रिजी से यहाँ से उड़ते हुए से ही रहते हैं हमेशा, और इतना मैनेजेबल होने में इन्हें कम से कम 3 डेज लगते हैं। मतलब मैं जिस दिन शैम्पू करती हूँ उसके 3rd डे जाके मेरे बाल इतने मैनेजेबल होते हैं, बट फर्स्ट डे वॉश के
मतलब वॉश करने के फर्स्ट डे मैं कहीं जाना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज वो इतने ज्यादा रफ और डैमेज दिखते हैं। उस टाइम पे मुझे तो सिर्फ अपना स्ट्रेटनर ही यूज करना होता है, वरना मैं कहीं और नहीं निकलना चाहती हूँ। सो अगर मेरा कोई पार्टी या प्रोग्राम 2 दिन बाद का होता है या 1 दिन बाद का होता है, तो मैं उसके 1 या 2 दिन पहले ही शैम्पू कर लेती हूँ। उसके बाद ये इस टाइप के मैनेजेबल होते हैं कि मैं जा पाऊँ कहीं। वैसे मैंने अपना हेयर वॉश करने के बाद में कंडीशनर अप्लाई किया है, और उसके बाद मैंने ये सीरम अप्लाई किया है। ये है लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम। फिलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली सीरम है और ये काम भी करता है। ये आपके स्ट्रैंड्स के ना एंड्स को काफ़ी, मतलब हेयर एंड्स को काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट कर देता है। सो ये मे बी आपको लग रहे हों कि ये अभी भी रफ और फ्रिजी हैं, बट इसके उसको छू कर मुझे इसके फील से समझ में आ रहा है ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। एंड एंड्स मेरे तो वैसे भी दिखेंगे, बिकॉज कलर हेयर है ना, कलर्ड हेयर वैसे भी 6-8 महीने बाद बहुत रफ दिखने लगते हैं, तो आपको हेयर कट लेना पड़ता है उसके लिए। बट मैंने अभी 6 मंथ्स से ऊपर हो गया है, मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया है, बट स्टिल ये ना बहुत सॉफ्ट है। ये टच करने पर बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। एक्चुअली मेरे कर्ली हेयर्स हैं, तो आपको देखने में ये कभी भी ऐसे नहीं लगेंगे कि ये बहुत स्मूथ और सॉफ्ट है। बट ये ऑयल और ये पैक अप्लाई करने के बाद मुझे काफ़ी डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये जो इतना देखने लायक बना है वो भी नहीं होता है अगर मैं सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर। मेरा स्कैल्प भी ड्राई है और मेरे हेयर्स भी ड्राई हैं। सो मैं नॉर्मली जो है वीक में 2 या 3 बार शैम्पू किया करती थी पहले, पर मुझे ये आइडिया नहीं था। मुझे ऐसा लगता था 2 या 3 बार शैम्पू करूंगी तो मैं बार बार सीरम अप्लाई करूंगी और कंडीशनर अप्लाई करूंगी तो मेरे बाल दूसरे दिन सॉफ्ट दिखेंगे। इस चक्कर में मैं 3-3 बार वॉश करती थी वीक में। बट प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरा हेयर बहुत फॉल होता था, मतलब हेयर फॉल इतना ज़्यादा मुझे दिखता था 3 वॉशेस के बाद। तो किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप ना वीकली वॉश किया करिए, उससे आपको हेयर फॉल में काफ़ी रिडक्शन दिखेगा, आपके हेयर फॉल रिड्यूस होंगे। सो मैंने ऐसा ही किया। फर्स्ट वीक जब मैंने वो छोड़ा, मैंने मतलब फर्स्ट वीक पूरा ही वीक हेयर वॉश नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा लगा 3 डेज तक ठीक रहे बाल, 4th day से अजीब से होने लगे, ऑयली से, गंदे से। तो मतलब फर्स्ट बार सेकेंड बार तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे वॉश कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रुकी और मैंने संडे को ही वॉश किया। बट वो करते करते सीरियसली मेरे हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गए, क्योंकि मेरा स्कैल्प ड्राई है और इसमें ऑयल आने में ही 4th day लग जाता है। मतलब वॉश करने के 4th-5th day ही हेयर में, स्कैल्प में ऑयल आना शुरू होता है। सो फिर जब मैं वीकली वॉश करना स्टार्ट किया ना मैंने, तो 3-4 महीने बाद मुझे अपना हेयर फॉल भी कम लगने लगा और हेयर क्वालिटी भी पहले से बेटर हुई। पहले क्या है, बिना कंडीशनर और बिना सीरम के मेरे बाल बहुत ही बुरे लगते थे, बहुत ज़्यादा। बट अब जो मैंने ये स्टार्ट किया है, इसकी वजह से मेरे बाल अब ओपन करने लायक हो गए हैं। अगर अच्छे से मैं इनमें जो है ऑयलिंग हेयर पैक और कंडीशनर शैम्पू यूज़ करती हूँ ना, तो ये मैनेजेबल हो जाते हैं। इतने तो हो जाते हैं कि मैनेजेबल भी हो जाते हैं, और प्लस जो है ना हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखा है। अगर आप भी मेरी तरह ड्राई स्कैल्प हैं और आपका भी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आप वीक में एक बार ही वॉश करें। बट आपको एक बार में फर्क नहीं दिखेगा, आपको कम से कम 3-4 महीने ये फॉलो करना होगा, उसके बाद आपको भी फर्क दिखेगा कि आपका हेयर फॉल काफ़ी रिड्यूस हुआ है। आप इस ऑयलिंग मेथड एंड इस हेयर पैक को प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, और आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे साथ आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा आपका एक्सपीरियंस। वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।